हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाले वीडियो में मैं आपको दिल्ली टर्मिनल 1 एयरपोर्ट का टूर दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या है करने को और लाउंज एक्सेस कैसे मिलता है एंड एवरीथिंग। तो अगर आपकी भी फ्लाइट यहाँ से है तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू नो मोर। तो मेरा ट्रिप शुरू हो गया है। मैंने कैब ली है क्योंकि IGI टर्मिनल 1 पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मेट्रो से डायरेक्ट मेट्रो जाता नहीं है, एटलीस्ट मेट्रो लाइन वाला तो नहीं जाता। और अगर आपको पहुंचना है तो आपको पर्पल लाइन स्लैश वायलेट लाइन लेना पड़ेगा, जो मेरे घर से बहुत चेंज करके पहुँचना पड़ता है। बट कैब 350 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने सोचा तो ठीक है, 30 किलोमीटर 350 रुपये चलता है। तो फिर मैं सुबह निकली 7 बजे के अराउंड और मैं 7:40 तक एयरपोर्ट पहुंच गई थी। और मुझे भैया ने बाहर ही छोड़ दिया था, टैक्सी वाले भैया ने। उसके बाद यहाँ से चेक इन का प्रोसेस मेरे को स्टार्ट करना था श्रीनगर के लिए। थैंकफुली मैंने वेब चेक इन ऑलरेडी कर रखा था, तो ज़्यादा इश्यू नहीं था। सो हम आ गए हैं अपने एयरपोर्ट पे। This is Delhi Airport Terminal 1D. अभी मैं पहुँच गई हूँ, अभी मेरे पास 2 घंटा है, तो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ गेट पे वो आपका बोर्डिंग पास और आईडी चेक करेंगे। ये है हमारा एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। स्पाइस जेट का है तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी हो गया, अब सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। तो बहुत ही कम लोग हैं अभी, ये है सिक्योरिटी चेक की लाइन, बहुत छोटी सी है लेकिन यहाँ पे वो स्कैन करके अंदर भेजते हैं और आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। यहाँ से है रेस्टोरेंट, शॉप से टॉयलेट सब कुछ दिखा रहे हैं। श्रीनगर पर 2D है, ये है पूरा सिटिंग एरिया बैठने के लिए। यहाँ पे शॉप्स हैं सारी। काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 2 घंटा, तो ऐसे थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे खाने का क्या मिल रहा है, किधर मिल रहा है सब कुछ। और लेट्स सी व्हाट्स अप हियर। खाने का शॉप्स यहाँ पे थोड़ा, ये हल्दीराम वगैरह भी है इधर, ये सब बैठने का एरिया लाइक आई सेड बिफोर। गेट का एरिया स्टारबक्स भी है और ऊपर लाउंज है। लेट्स सी लाउंज एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे नीचे वॉशरूम भी है, बहुत साफ सुथरा है, तो आप यहाँ पे चेंज वेंज कर सकते हो, जो भी करना है फ्रेशन अप हो सकते हो। का पानी भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी शॉप एंड डाइन सेक्शन है, प्रेयर रूम भी है अगर आपको प्रे करना है तो। ये है फूड कोर्ट यहाँ का। एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे प्रेयर रूम भी और स्मोकिंग रूम भी है। कौन सी लाउंज का एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। ये है आई थिंक सो। येप गाइस, मुझे एक्सेस मिल गया कोरल कार्ड से, फ्री एक्सेस है। यहाँ पे बैठ सकती हूँ मैं और खाने का भी बहुत एरिया है, यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शंस हैं। एक लाइव शेफ काउंटर भी है और ब्रेकफास्ट में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सही है। बस खाना मिल रहा है यहाँ पे बार सेंटर, तो मेरे कार्ड पे फ्री एक्सेस है लाउंज का। मेरा कोरल का क्रेडिट कार्ड है, इससे आपको हर क्वार्टर में एक लाउंज एक्सेस फ्री मिलता है। तो ये जो टर्मिनल 1D का है इनकाम लाउंज, इधर का भी एक्सेस फ्री मिलेगा। तो अगर आपके पास कोरल कार्ड है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, सिर्फ 2 रुपये कटते हैं। एंड बहुत अच्छा खाने का यहाँ पे, मतलब आई बीन टू अ कपल ऑफ लाउंजेस एंड यहाँ का खाने का बहुत वेराइटी है, ड्रिंक्स का भी बहुत वेराइटी है एंड स्टफ। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट, आप यहाँ पे आ सकते हो। This is our airport. बार है, यहाँ से आप ले सकते हो एंड यहाँ पे लाइव काउंटर बन, मेरे कुछ भी बनवा सकते हो।
आफ्टर चिलिंग इन द लाउंज आई थिंक अब टाइम हो गया है कि मैं अपने गेट पे चली जाऊँ. कुछ लिखा तो नहीं है बोर्डिंग के लिए, बट आई थिंक स्टार्ट होने वाली है बोर्डिंग सून, तो लेट्स गो एंड सी. बोर्डिंग स्टार्ट हो गया. वन मेन थिंग टू रिमेंबर अबाउट दिल्ली टर्मिनल वन इज़ कि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. ये टर्मिनल टू और टर्मिनल थ्री से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको जनरली वो ये वाले शटल बसेस में लेके जाते हैं एयरपोर्ट के लिए. मतलब श्रीनगर उसके मुकाबले में बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे शटल बसेस का नहीं होता, बट इधर होता है. एंड इस बार मुझे विंडो सीट मिली थी, तो मैंने बहुत मस्त व्यूज़ देखे. बीच में सोई भी, बट व्यूज़ मेन तो व्यूज़ थे. एंड दिल्ली हमारा इतना बुरा नहीं लगता ऊपर से. तो यही था हमारा दिल्ली टर्मिनल वन तक का सफ़र. देखती हूँ मैं आपको आगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगता है दिल्ली एयरपोर्ट का. ओके, बाय.